बात करेंगे पौड़ी की, जहां पर पुलिस लाइन मासिक अपराध समीक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने सीसीटीएनएस के कार्यों की समीक्षा की है, जिसमें थाना पौड़ी, पैठाड़ी और श्रीनगर में अपेक्षाकृत कार्रवाई नहीं करने पर एसएसपी ने नाराजगी जताई है और थाना प्रभारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान एसएसपी ने वर्तमान मुख्यालय स्तर से भूमाफियाओं, ड्रग्स माफियाओं आदि के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध प्रचलन ऑपरेशन प्रहार अभियान की समीक्षा भी की है। एसएसपी ने कहा कि विभिन्न अभियोग से अभी तक 34 व्यक्तियों की गिरफ्तारियां की गई है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। जो अगस्त माह में जितने क्राइम हुए थे उसकी आज समीक्षा की गई है, और इसमें मुख्य रूप से जो हमारे धोखाधड़ी संबंधी अपराध हैं, विदेश भेजने के नाम पर जो धोखाधड़ी की जाती है लोगों से, या ज़मीन संबंधी और जो फ्रॉड के केसेस हैं, साइबर ठगी से जो रिलेटेड हमारे केसेस हैं, इनको डिटेल में देखा गया। और चूंकि हमारा ऑपरेशन प्रहार मुख्यालय स्तर से चल रहा है, उसके भी कार्यों उसमें भी जो इन लोगों ने कार्रवाई की है उसकी भी समीक्षा की गई है। तीन केसेस में हमारे द्वारा जो है गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है, और लगभग जो है 30 से ज़्यादा अभियुक्त जो धोखाधड़ी में संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई है, और ये कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहेगी।